नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने जारी की है 40 स्टार प्रचारकों की सूची। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी का भी नाम लिस्ट में है। सीएम योगी आदित्यनाथ, रमन सिंह सहित कई बड़े नेता प्रचार प्रसार करते आपको आगामी दिनों में नजर आएंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के। स्टार प्रचारकों की सूची में इन तमाम लोगों का नाम शामिल है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी आपको बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आपको ये 40 नाम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रमन सिंह तक कई बड़े चेहरे शामिल हैं, प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, रैलियां करते नजर आएंगे, संबोधित करते नजर आएंगे। ये वो सूची है जो आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 40 नामों को इसमें मेंशन किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक चौबे संवाददाता सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, 40 नामों की सूची छत्तीसगढ़ के लिए जारी हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रमन सिंह तक सबका नाम। जी बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी हुई है उसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, और देखिए सबसे ज्यादा जो अगर बात की जाए तो क्योंकि हिंदुत्व की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम आता है। और देखिए उनका भी नाम है इस लिस्ट में। इसमें अर्जुन मुंडा का नाम है, वीरेंद्र कुमार का नाम है, केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम है, यानी कि कहीं ना कहीं। और देखिए खासकर अगर बात की जाए तो रवि किशन, मनोज तिवारी, केशव प्रसाद मौर्य, इन सब का नाम है, यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी चाहती कि स्टार कैंपेनों की जो फौज जो उसने उतारी है और एक बड़े चौड़े, और खासकर देखिए क्योंकि इसके बाद फिर एक लिस्ट और आनी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए भी आनी है। तो जाहिर सी बात है इन स्टार प्रचारकों के तौर पर जब ये फील्ड में उतरेंगे, जब स्टार प्रचारकों की जो जो एक फॉलोइंग होती है उस पे जब ये जाएंगे तो देखना होगा कि कितने रैली करते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात की जाए पूजा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा है इस टाइम, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां पर जो पार्टी जो नेतृत्व है और खासकर अगर बात की जाए तो जो राज्य इकाई है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा रैली कराना चाहती है। और आज जब स्टार प्रचारकों की सूची आई तो इसमें कई सारे ऐसे नाम हैं जो अलग टाइप के हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो देखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए दीपक जुड़े हुए थे हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि दो नेता फायर ब्रांड नेता हैं दोनों। एक का कनेक्शन जो है वो जनता के साथ केमिस्ट्री के तौर पर देखने को मिलता है, और दूसरे हैं जिनके बयान भर से जनता उत्साहित हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों की डिमांड सबसे ज्यादा सीधे रुख करेंगे महाराष्ट्र का, जहां पर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को बड़ी सौगात दी है। 511 कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। क्या कुछ कहा इस दौरान सुनिए। नौकरी पाना अत्यंत कठिन हो गया था, ये हमारी सरकार है जिसने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा है। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया और भारत में पहली बार स्किल इसी एक विषय के लिए डेडिकेटेड मंत्रालय है, मतलब कि देश के नौजवानों के लिए डेडिकेटेड एक नया मंत्रालय है। अलग से बजट तय किया गया और अनेक योजनाएं शुरू की। कौशल विकास योजना के तहत अभी तक 1,30,00,000 से ज्यादा युवाओं को अनेक ट्रेड्स में
ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार ने देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। साथियों, स्किल डेवलपमेंट के ऐसे प्रयासों से सामाजिक न्याय को भी बहुत बल मिला है। बाबा साहब आंबेडकर भी समाज के कमजोर वर्गों के कौशल विकास पर बहुत जोर देते थे। बाबा साहब का चिंतन जमीनी सच्चाई से जुड़ा हुआ था। वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि हमारे दलित और वंचित भाई बहनों के पास उतनी जमीनें नहीं है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को गरिमापूर्ण जीवन मिले, इसके लिए वो औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस पर बहुत जोर देते थे और उद्योगों में काम करने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है स्किल, कौशल। अतीत में बड़ी संख्या में समाज के यही वर्ग स्किल्स के अभाव में अच्छे काम, अच्छे रोजगार से वंचित थे और आज भारत सरकार की कौशल योजनाओं से सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को ही हो रहा है। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले ने भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ने का मार्ग दिखाया था। उनका अटूट विश्वास था कि जिसके पास ज्ञान और कौशल होता है, वही समाज में परिवर्तन ला सकता है। माता सावित्रीबाई की प्रेरणा से सरकार बेटियों के शिक्षण और प्रशिक्षण पर भी समान जोर दे रही है। आज गांव गांव में स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। अब देश ड्रोन के माध्यम से खेती और विभिन्न कार्यों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए भी गांव की बहनों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। साथियों, हमारे यहां गांव गांव में ऐसे परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हुनर को आगे बढ़ाते हैं। कौन सा गांव ऐसा होगा जहां बाल काटने वाले, जूते बनाने वाले, कपड़े धोने वाले, राजमिस्त्री, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, सुनार, ऐसे हुनरमंद परिवार नहीं है। ऐसे परिवारों को सपोर्ट करने के लिए ही अब भारत सरकार ने, जिसका अभी उल्लेख अजीत दादा ने भी किया, भारत सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू की है। इसके तहत ट्रेनिंग से लेकर आधुनिक उपकरण और काम को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर सरकार आर्थिक मदद दे रही है। इस पर केंद्र सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में बनने जा रहे ये 500 से अधिक ग्रामीण कौशल विकास केंद्र भी पीएम विश्वकर्मा योजना को आगे बढ़ाएंगे। मैं महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए विशेष रूप से बधाई दूंगा। साथियों, कौशल विकास के इन प्रयासों के बीच हमें यह भी सोचना होगा कि किन क्षेत्रों में स्किल्स बढ़ाने से देश को ताकत मिलेगी। जैसे आज मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, जीरो डिफेक्ट वाले प्रोडक्ट देश की आवश्यकता है। इंडस्ट्री 4.0 के लिए नई स्किल्स की जरूरत है। सर्विस सेक्टर, नॉलेज इकोनॉमी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर सरकारों को भी नई स्किल पर जोर देना होगा। हमें यह देखना होगा कि किस तरह के उत्पादों का निर्माण हमें आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगा। ऐसे उत्पादों के निर्माण के लिए हमें जरूरी स्किल्स को बढ़ावा देना होगा। साथियों, भारत के कृषि सेक्टर को भी आज नई स्किल्स की बहुत जरूरत है। केमिकल वाली खेती से हमारी धरती मां, हमारी इस धरती मां पर बहुत अत्याचार हो रहा है। धरती को बचाने के लिए नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती ये जरूरी है और इसके लिए भी स्किल्स की जरूरत है। खेती में पानी का कैसे संतुलित उपयोग हो, इसके लिए भी नई स्किल्स को जोड़ना आवश्यक है। हमें एग्री प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग, उसमें वैल्यू एडिशन, इसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और उसे ऑनलाइन वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए भी नई स्किल्स आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए देश की विभिन्न सरकारों को स्किल डेवलपमेंट का अपना दायरा और बढ़ाना होगा। मुझे विश्वास है कौशल विकास को लेकर ये चेतना आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगी। मैं फिर एक बार शिंदे जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और जो नौजवान बेटे बेटियां ये स्किल के रास्ते पर आई हैं, सोचे रही हैं, जाना चाहती हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने सही रास्ता चुना है। वो अपने इस कौशल के माध्यम से, अपने इस सामर्थ्य के माध्यम से अपने परिवार को भी बहुत कुछ दे सकते हैं, देश को भी बहुत कुछ दे सकते हैं। मेरी तरफ से इन सभी नौजवान बेटे बेटियों को विशेष रूप से अनेक शुभकामनाएं हैं। मैं एक अनुभव बताता हूं। मैं एक बार सिंगापुर गया तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री, उनके साथ जो मेरा कार्यक्रम बना तो मेरी शेड्यूल बहुत व्यस्त था, बहुत एंगेजमेंट बहुत ज्यादा ही थी, लेकिन उनका आग्रह था नहीं कैसे भी करके मेरे लिए कुछ समय निकालिए। तो खैर, प्रधानमंत्री जी का आग्रह था तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ एडजस्ट करता हूं। मैंने, हमारी टीम ने सब वर्कआउट किया, एडजस्ट हुआ। और क्या किसके लिए मांगा तो वो मुझे, जैसे हमारे यहां आईटीआई होती है,
वैसा जो सिंगापुर का स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो देखने के लिए ले गए और इतने गर्व से वो मुझे दिखा रहे थे कि वो कह रहे थे कि मैंने इसको बड़े मन से बनाया है। और एक समय था कि लोगों को इस प्रकार के इंस्टीट्यूट में आने से सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी, शर्म आती थी, उनको लगता था अच्छा आपका बच्चा कॉलेज में नहीं पढ़ता, ये नहीं करता, यहां जाता है। लेकिन जब से बोले मेरा ये स्किल सेंटर डेवलप हुआ है, बड़े बड़े परिवार के लोग भी मुझे सिफारिश करते हैं कि उनके घरों में, उनके परिवारों में भी स्किल के लिए इसमें एडमिशन मिले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। कौशल विकास को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है साफ तौर पर। दूसरी तरफ रुख करेंगे तेलंगाना का, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। ये बंधम अनुबंधम ना कंटे मुंदु नेहरू गारी तो, इंदिरम्म तो, राजीव गांधी गारी तो ये बंधम अनुबंधम चेप्पि नेनु मनवि चेस्तुन्नानु। मुझे याद है जब कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की जनता के साथ तेलंगाना का वायदा किया था। నాకు గుర్తునది తెలంగాణ ప్రజలకి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చినే హామీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు ఇచ్చినప్పుడు విషయం కూడా నాకు గుర్తునది। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के लोगों से कहा था कि हम तेलंगाना बनाने के बारे में सोच रहे हैं। 2004 లో తెలంగాణ ఏర్పాటు చేసే ఆలోచన చేస్తున్నని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటన చేసింది। और फिर సోనియా గాంధీ జీ నే తెలంగాణ కా నిర్ణయ లియా। ఆ తర్వాత గౌరవనీయులు సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు। मैंने आपसे कहा कि रिश्ता राजनीतिक नहीं है, रिश्ता मोहब्बत का है, पारिवारिक है। నేను ముందు చెప్పినట్టుగా మీతో ఉన్న సంబంధం రాజకీయ సంబంధం కాదు, ప్రేమ ఆప్యాయత అభిమానం ఈ సంబంధం ఈ అనుబంధం అని చెప్పి నేను మన చేస్తున్నాను। जब सोनिया जी ने तेलंगाना की बात की थी उन्हें मालूम था कि कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ గురించి మాట్లాడినప్పుడు రాజకీయంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి నష్టం జరగొచ్చు అనే ఆలోచన వారి మనసులో ఉండే। మగర్ తబ్ బి ఉన్నోనే తెలంగాణకి గరీబ్ జనతాకే లియే కిసానోకే లియే మజ్దూరోకే లియే యే నిర్ణయ లియా। రాజకీయ నష్టం జరిగినా సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణలో పేదవారికి రైతులకి లేబర్ కోసం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేస్తుందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक है। उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहे न्यूज इंडिया के साथ।